Hello everyone, myself Sarshad Sheikh. Welcome to my channel Sarshad Sheikh Recipes. आज हम बनाएंगे गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये लड्डू एनर्जी से भरपूर है। गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। दो बड़े बोल मखाने, दो बड़े बोल खजूर, या मैंने सॉफ्ट वाले खजूर लिए कीमिया खजूर, एक छोटा बोल अखरोट, एक छोटा बोल बादाम, एक छोटा बोल अंजीर, आधा छोटा बोल आलसी, आधा छोटा बोल सफेद तिल, आधा बोल काजू, आधा बोल किशमिश, आधा बोल गोंद, इसे डिंग भी बोलते हैं, 3 चम्मच पम्पकिन सीड, 2 चम्मच सौंठ और इलायची का पाउडर है मिक्स, सब ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए घी। यहाँ मैंने पैन लिया है, 5 चम्मच घी है, इसमें हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। सब ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने के लिए मुझे 100 ग्राम घी लगा है। हम गोंद को फ्राई करके लेंगे, गैस को स्लो फ्लेम पे ही रखना है। गोंद अच्छे से अंदर से पके इसलिए हमें स्लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करके लेना है। गोंद को एडिबल गम भी बोलते हैं। गोंद से हमें कैल्शियम मिलता है। गोंद फ्राई हो चुके, अभी हम इसे निकालेंगे। मखाने रोस्ट करके लेंगे। ये लड्डू सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग भी तेज करता है। मखाने हड्डी को बहुत फायदा देती है, हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं। मखाने को क्रिस्पी होने तक हमें रोस्ट करना है। अभी इसे निकालेंगे एक प्लेट में। अभी बादाम को फ्राई करके लेंगे। सब इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करने से लड्डू की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। बादाम फ्राई हो चुके, अभी हम इसे निकालेंगे एक बोल में। अभी हम काजू को फ्राई करके लेंगे। काजू डालने से लड्डू में बहुत टेस्ट अच्छा आता है। काजू में फैट बहुत होता है इसलिए मैंने कम ली हूँ। काजू फ्राई हो चुके, अभी हम इसे निकालेंगे। अभी अखरोट को फ्राई करके लेंगे। अखरोट ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इसे भी हम निकालेंगे एक प्लेट में। अभी किशमिश फ्राई करके लेंगे। ध्यान रखें, किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। किशमिश से कैल्शियम मिलता है जिससे हड्डियाँ और दांत तंदुरुस्त रहते हैं। अभी हम इसे निकाल लेंगे, फ्राई हो चुके हैं। हालिम को रोस्ट कर लेंगे। हालिम हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। ये लड्डू हर तरह की कमजोरी को दूर करता है। हालिम रोस्ट हो चुके, अभी हम इसे निकालेंगे। पम्पकिन सीड्स फ्राई करके लेंगे। पम्पकिन सीड्स डायबिटीज कंट्रोल करता है। पम्पकिन सीड्स फ्राई हो चुके, अभी हम इसे निकालेंगे एक बोल में। अभी हम अंजीर को फ्राई करके लेंगे। अंजीर के फायदे बहुत सारे हैं। हड्डियां मजबूत करता है, अस्थमा पेशेंट को फायदेमंद है। अंजीर से हमें आयरन मिलता है। हाई बीपी और पेट से जुड़ी सब बीमारियों को ये हेल्प करता है। रोस्ट हो चुके, अभी हम इसे निकालेंगे। अभी हम खजूर को अच्छे से रोस्ट करके लेंगे। मैं खजूर के बीज निकाली हूँ। खजूर खाने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर में कंट्रोल आता है। खजूर आयरन रिच है, एनेमिक को कम करता है। ये लड्डू थकान, कमजोरी, हड्डियों और दर्द को दूर करता है। खजूर को हमें अच्छे से पका के लेना है। खजूर ही हमारे लड्डू को बाइंड करेगा। खजूर हमारा पक चुका है, अभी हम इसमें तिल रोस्ट करके लेंगे। तिल खाने से हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, बोन स्ट्रांग रहते हैं, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। रोस्ट हो चुके, अभी हम इसे निकालेंगे। यहाँ हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं। यहाँ मैंने सब इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग फ्राई इसलिए की हूँ क्योंकि सबको टेम्परेचर अलग अलग लगता है।
कोई भी इंग्रेडिएंट्स जलना नहीं चाहिए, आपको इसका ध्यान रखना है। उसको ग्राइंड करके लेना है, यहाँ मैं मखाने को ग्राइंड कर रही हूँ। दरदरा ही रखना है। गोंद इसे मैं एकदम बारीक करूँगी। यहाँ मैं काजू बादाम अंजीर को पीस रही हूँ। यहाँ मैं अखरोट मनुका पम्पकिन सीड को पीस लूँगी। यहाँ मैंने मेथी लिया है, इसे रोस्ट करके हमें पीसना है। यहाँ मैंने कालूंजी ली हूँ, इसे भी हमें रोस्ट करना है। इसे हम ऑनियन सीड्स भी बोलते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमारे सब पीस के तैयार है, अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम खजूर को बाद में ऐड करेंगे। ये लड्डू आप ज़रूर बनाइए, ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद है। अभी खजूर ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। यहाँ मैं मेथी का पाउडर ऐड कर रही हूँ, मेथी डायबिटीज़ कंट्रोल करता है। यहाँ कालूंजी ऐड कर रही हूँ, कालूंजी हर बीमारी का इलाज है, कालूंजी को हमें डेली खाना चाहिए। मिक्सर रेडी है लड्डू बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लियो, हमें इसे अच्छे से हाथ पे लगा के लेना है। आपको जितने साइज़ का लड्डू चाहिए आपको उतना मिक्सर लेना है हाथ में और उसका लड्डू बनाना है। यहाँ मैं लड्डू राउंड शेप में बना रही हूँ। सारे मिक्सर का ऐसे ही लड्डू बना लेंगे। ये लड्डू आपको एयरटाइट कंटेनर में रखना है, ये एक महीने तक अच्छे रहते हैं। ध्यान रखिए इसे पानी नहीं लगना चाहिए। ये लड्डू बच्चे से लेके बड़े सभी खा सकते हैं। ये लड्डू को सुबह नाश्ते में खाना चाहिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल बटन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। देखिए यहाँ मेरे सारे लड्डू तैयार है सर्व करने के लिए। आपको जो ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वही इसमें आप डाल सकते हैं और उसके भी लड्डू बना सकते हैं। ये लड्डू एकदम हेल्दी है और टेस्टी भी। डायबिटीज पेशेंट के लिए लड्डू का साइज छोटा बनाना। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।